आप सभी को अपना YouTube चैनल नॉलेज G24 में स्वागत है। तो आज का वीडियो किन टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है, ये तो आप लोग अभी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे और आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी प्यारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे जो पिछले इससे रिलेटेड वीडियो डाला था उस पर जो कमेंट कर रहे थे कि सर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्क असिस्टेंट का एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है या इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, एक्सपेक्टेड डेट भी आप ज़रूर बताइए। तो देखिए, आप लोग देखे होंगे इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया लेकिन किसी भी वीडियो में मैंने ये मेंशन नहीं किया कि आपका एग्जैक्ट इस डेट को एग्ज़ाम होगा या इस मंथ में एग्ज़ाम होगा। और अप्रॉक्स मैंने बोला कि इस मंथ तक एग्ज़ाम हो सकता है, ये मैंने बताया था। बट अभी कुछ मेरे पास इंटरनल सोर्सेज से कुछ इन्फॉर्मेशन आए हैं जो कि मैंने सोचा आप सभी के बीच शेयर कर देता हूँ। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्क असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए थे, जो स्टूडेंट इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहेगी, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपके यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को लेकर बात कर लेता हूँ, उसके बाद इससे रिलेटेड मैं ये भी जानूँगा कि आप लोग कैसे इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं, पूरा मैं डिटेल्स में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए, मैं डायरेक्ट पहले इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर जो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे मैं डायरेक्ट उसी पॉइंट पर आ जाता हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस फॉर्म को अप्लाई किए हुए आप सभी का 1 ईयर हो चुका है, ठीक है, या हो सकता है 2-4 दिन कम होंगे बट होने ही वाले हैं क्योंकि इसी मंथ में आप लोगों ने अप्लाई किया था और आप लोगों का पक्का 1 साल आपके एग्ज़ाम का हो चुका है। तो देखिए, जब आप लोगों ने अप्लाई किया था तो उसके साथ ही आपके बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियोज आ रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि आपका 5 दिन में एग्ज़ाम होगा, 10 दिन में एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, आपको इस गलत फहमी में नहीं रहना है, मैंने उस टाइम भी बताया कि इसका एग्ज़ाम करीबन 1 ईयर के आसपास लगता है और आपके देखिए 1 साल हो भी चुके हैं। और मैं इस वीडियो में जो आपको डेट बताऊंगा और उसी डेट में होगा, 90% चांस है कि उसी डेट में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए, इसका जब भी एग्ज़ाम होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे प्लांट ऑपरेटर का हो गया, तो दोस्तों प्लांट ऑपरेटर का क्या करते हैं कि बहुत ही क्विकली इसका एग्ज़ाम ले लेते हैं, ठीक है, और 1 साल के आसपास तो ज्वाइनिंग भी करवा लेते हैं। बट अगर जैसे ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वर्क असिस्टेंट की बात आती है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। बिकॉज देखिए, उनको क्या होता है कि ये बहुत वहाँ का जो बार का सबसे छोटा जो पोस्ट होता है वो इसी को हम लोग बोलते हैं, और इसमें जो पहले से ही कार्यरत हैं वो जब छोड़ते हैं तो उसके साथ ही इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है इसका। बहुत सारे स्टूडेंट का तो ये भी कमेंट आ रहा था क्या सर इस पोस्ट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 100% एग्ज़ाम आपका होगा, ये आप लोग लिख लीजिए और मैं आपको इस वीडियो में डेट भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपके इस एग्ज़ाम को लेकर डेट की अगर हम लोग बात करें तो आपके जो उम्मीदें हैं सेप्टेम्बर में एग्ज़ाम हो जाएंगे, 90% चांस है कि सेप्टेम्बर के लास्ट वीक, ठीक है, सेप्टेम्बर के लास्ट वीक तक आपके एग्ज़ाम होने की संभावनाएँ हैं। अब देखिए, कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या सर 100% श्योर हैं कि सितंबर में भी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो देखिए मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो डेट है वो एक्सपेक्टेड डेट है, 100% नोटिफिकेशन का डेट नहीं है। हो सकता है कि 4 दिन पहले एग्ज़ाम हो जाए या हो सकता है कि 4 दिन बाद एग्ज़ाम हो, लेकिन ये श्योर हैं कि सेप्टेम्बर में ही एग्ज़ाम होगा, वो भी आपके लास्ट वीक में, सेप्टेम्बर के जो लास्ट वीक है उसमें आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। करीबन आप लोग ले सकते हैं 27 से 28 सितंबर को आपके एग्ज़ाम डेट रखे जाएंगे या इस दिन कॉल लेटर, हम ये 100% से हो रहे हैं कि सितंबर के लास्ट तक आपके कॉल लेटर किसी भी हाल में आएगा ज़रूर। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट के बीच में ये भी डाउट आते हैं क्या सर इसके जो कॉल लेटर आएंगे तो एग्ज़ाम क्या सेम डेज होंगे या अदर डेज होंगे। देखिए, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेज में रखा गया, एक तो प्रीलिम्स टेस्ट और सेकेंड जो है वो एडवांस टेस्ट। तो स्टूडेंट का बार बार कमेंट आता है क्या सर प्रीलिम्स टेस्ट जो है वो अलग दिन होंगे और एडवांस टेस्ट जो होंगे वो अलग दिन होंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा अकॉर्डिंग टू 2019 एग्ज़ाम्स,
अगर 2019 के एग्जाम के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम कोरोना का बहुत ज़्यादा लहर चल रहा था, जिस कारण से प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम हुआ उसका जितने भी स्टूडेंट थे उनका आसपास ही सेंटर दिया गया। जैसे मान लीजिए बिहार के बच्चे हैं तो बिहार का जो सेंटर था वो कोलकाता था, तो कोलकाता आसपास ही माना जाता है क्योंकि कोलकाता 8 से 10 घंटे में आप लोग पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से सेंटर दिया गया और इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था कि प्रीलिम्स जो आपका टेस्ट था वो एक दिन हुआ था, ठीक है। फिर इससे जो करीबन 15 दिन या 20 दिन के बाद इसका रिजल्ट जारी किया गया था। शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट का जो एडवांस टेस्ट था वो मुंबई में लिया गया था, ठीक है, मुंबई में लिया गया था। ये तो हो गया अकॉर्डिंग 2019 की। बट अगर इसके बारे में मैंने अभी तक जो पता लगाया, मैंने जो इन्फॉर्मेशन गेन किया उसके अकॉर्डिंग जो अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्क असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो सेम डेज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि सेम डेज होगा, क्योंकि उस टाइम जो था कोरोना का लहर था जिस कारण से मुंबई में उतना ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जा सकते थे, इस कारण से एग्ज़ाम पास में ही लिया गया और बाद में एडवांस फिर मुंबई में ही लिया गया। लेकिन इस बार जो आपके एग्ज़ाम है वो प्रीलिम्स प्लस एडवांस दोनों सेम डेज होंगे और जो बार्क है वो आपको जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें साफ साफ बताया गया कि आपके जो एग्ज़ाम है वो प्रीलिम्स एंड एडवांस दोनों सेम डेज होंगे और 30 मिनट्स का आपके गैप होंगे। देखिए मैक्सिमम जैसे NPCL हो गया उसमें भी सेम है, NPCL का तो 2 दिन पहले ही नोटिस आया है या कल ही शायद नोटिस आया था प्लांट ऑपरेटर के लिए। तो आपके जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पोस्ट हैं सभी में एग्ज़ाम ऐसे ही होगा। प्रीलिम्स आपके जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है तो आपके एडवांस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आफ्टरनून शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि आप लोग एडवांस टेस्ट, सबसे पहले प्रीलिम्स टेस्ट हो गया उसमें क्वालिफाई किया जाता है, आप लोग क्वालिफाई हुए तो एडवांस टेस्ट लिया जाएगा। एडवांस टेस्ट भी आप लोग दे चुके हैं तो आप लोगों को क्या करना है, फिर घर आ जाना है। फिर उसके करीबन 1 मंथ के बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है या 2 मंथ लग जाता है। फिर उसके बाद सेलेक्ट ज्वाइनिंग जब मन होगा उनका या डॉक्यूमेंटेशन जब होता है करवाते हैं, वो 1 महीना के आसपास डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, फिर 3 महीना में ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो कुछ इस प्रकार इसके प्रोसेस हैं सिलेक्शन का। तो मैंने दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी आपको बताया आपको समझ में आए होंगे और मैंने बिल्कुल डिटेल्स में आपको बताया, तो आप लोग भरोसा रखिए बिल्कुल एग्ज़ाम होगा। और इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर सकूँ, नहीं तो उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाऊँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।